हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये जो अपना डिटेलिंग वाला सीरीज चल रहा है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है, मींस सेकंड वीडियो है। मैंने आपसे कहा था, जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है, था कि मैं डिटेलिंग के ऊपर कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज हो सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, या मैक्सिमम जितने वीडियोज बन सकते हैं। जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, इस दूसरे पार्ट में कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ डिटेलिंग के, डिटेलिंग टिप्स जो आपके डे टू डे वर्किंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। फ्रेंड, जो खास तौर पे हमारे नए कलीग हैं, जो नए नए आते हैं फार्मा के अंदर, उनके साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो बताता हूं। टिप्स नंबर 1, बी कंफर्टेबल इन द डॉक्टर चैम्बर। डॉक्टर चैम्बर के अंदर जनरली आजकल क्या है कि कंफर्टेबल लोग नहीं होते। कंफर्टेबल इन द सेंस, डॉक्टर चैम्बर के अंदर चले जाएंगे, चेयर खाली रहेगा, उसके बाद भी खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे डॉक्टर की तरफ। चेयर खाली है उसके बावजूद भी फ्रेंड, अगर आप खड़े होकर डिटेलिंग करते हैं तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। डिटेलिंग का एक रूल है, आप डॉक्टर चैम्बर में जाएं तो ऐसे पोजीशन अपना देखें कि जहां से अपने विजुलेट को आप डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से दिखा पाएं। जो उसका एंगल होना चाहिए विजुलेट का, वो डॉक्टर के बिल्कुल सामने होना चाहिए, जिससे क्या हो, प्रॉपरली डॉक्टर आपके विजुलेट को देख सके, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आप बैठ जाएं वहां पे, चेयर खाली है, अगर भीड़ लगा हुआ है तो आप खड़े होकर डिटेलिंग करिए, ठीक है, नो डाउट, तब तो भाई बैठ ही नहीं सकते आप, जगह ही खाली नहीं है। बट अगर जगह खाली है या फिर आप खड़े हैं, जैसे ही जगह खाली होता है तो इमीडिएट आप वहां पे बैठ जाइए, बैठ के तब डिटेलिंग करिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि कई बार हम सीनियर्स हमारे साथ में होते हैं, हमारे RSM होते हैं, हमारे ABM होते हैं, हमारे ZBM होते हैं, बहुत सारी टीम हमारे साथ में होती है। हम क्या करते हैं, वहां पे एटिकेट्स शो करना शुरू कर देते हैं, सर आप बैठिए, सर आप बैठिए। सर वहां पे बैठने, सर को बैठाने की वहां कोई जरूरत नहीं है भाई, आपको बैठने की जरूरत है। विजुलेट आपको हैंडल करना है, ठीक है, सर को हैंडल नहीं करना है। सर को तो ओरली बोलना है बिना विजुलेट देखे हुए। तो जो ABM का काम होता है उसका काम विजुलेट देखना नहीं होता, वो अपने आप ही जो बोलना होगा पॉइंट वो अपने आप ही वैल्यू एडिशन आपके डिटेलिंग में करेगा, ठीक है। आपका काम है कि विजुलेट को प्रॉपर हैंडल करना, डॉक्टर के सामने रखना और रिलैक्स होकर डिटेलिंग करना। तो जब भी आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाते हैं, हमेशा चेयर खाली मिलती है तो आप इमीडिएट बैठिए, कंफर्टेबल होइए, उसके बाद डिटेलिंग करिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये टिप नंबर 1 हो गया। अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। टिप नंबर 2 क्या है कि विजुलेट का एंगल, कई बार मैंने देखा है विजुलेट पकड़े रहते हैं, कभी इधर तिरछा घूमता रहता है, कभी उधर घूमता रहता है। तो घर पे क्या होगा, विजुलेट की प्रैक्टिस कर ले। जो लोग नए आते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है, विजुलेट थोड़ा भारी होता है, ठीक है। अब क्या है कि डॉक्टर चैम्बर के अंदर हम खोलते हैं, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, विजुलेट कई बार नया होता है। अभी वहां डॉक्टर चैम्बर के अंदर खोलते हैं विजुलेट को, शोर करता है, आवाज़ आता है विजुलेट का, क्योंकि पन्ने आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि घर पे उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्री हो जाएगा, या फिर हल्का सा पाउडर जो है, टैल्कम पाउडर जो होता है सारे पेज पे, हल्का सा बहुत लाइट वे में आप लगा देते, इससे क्या वो चिपकेगा नहीं, कभी कभी बारिश की वजह से चिपक जाता है, तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर बहुत ही बैड इंप्रेशन छोड़ता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर जब भी जाएं तो अपने विजुलेट को प्रॉपर वे में उसको हैंडल करें, ताकि वो इधर उधर मूव ना करे और सामने डॉक्टर के दिखता रहे। बात करते हैं टिप नंबर 3 की। होता क्या है, मैं ये मेरे साथ प्रॉब्लम अक्सर पहले हुआ करता था, अब मैंने काफ़ी इसके ऊपर काबू पा लिया है। जब भी डॉक्टर के सामने हम डिटेलिंग कर रहे होते तो कई बार हमारा ना टंग स्लिप होने की प्रॉब्लम आती है। हम बोलना एक्चुअली सही चाहते हैं बट बाई मिस्टेक क्या होता है, हमारे टंग से ना गलत वर्ड निकल जाता है, मिसप्लेस होने की वजह से, टंग स्लिप बोल सकते हैं या जो भी आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं। मीन्स किसी भी इंग्लिश के वर्ड का प्रोनंसिएशन प्रॉपरली नहीं होता। ये इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है जल्दीबाजी। हम क्या करते हैं, डॉक्टर, हमें लगता है कि डॉक्टर बड़े जल्दी में है, हम जल्दी जल्दी डिटेलिंग कर दें, उन्हें डॉक्टर उठ के चला जाएगा, कुछ बोल देगा फटाफट खत्म करो, या फिर आजकल कई भी डॉक्टर बोल देता है कि यार फटाफट आप डिटेलिंग खत्म करो। तो इस कंडीशन में क्या, आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, कम बोलना है बट सही बोलना है। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको स्लोली बोलिए, जो आपका सेंटेंस है उसको थोड़ा धीरे बोलिए, करेक्ट बोलिए, प्रोनंसिएशन जो वर्ड का होना चाहिए वही करिए, और इसके लिए थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, तो आपको डॉक्टर चैम्बर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप रिमूव कर देंगे। अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा जल्दी में है, फ्रेंड डॉक्टर से ज़्यादा जल्दी हम रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर आराम से है, रिलैक्सेशन, जब आप जल्दी रहेगा वो खुद ही बोल देगा, जल्दी जल्दी बताइए आप जाइए, बट अगर डॉक्टर ने नहीं बोला तो आप रिलैक्स मोड में डिटेलिंग करिए। डिटेलिंग क्या एक आर्ट है, और उसको आर्ट की तरह अगर आप मीन्स लर्न करके जाएंगे और अच्छे से करेंगे तो डॉक्टर सुनेगा, अगर उस अच्छे से नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी नहीं सुनता। चलिए नेक्स्ट टिप 4 नंबर पे, अपने ब्रांड की जो भी USP है
आप जब भी ब्रांड की यूएसपी डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ, हमेशा उसको अपने कंपिटिटर ब्रांड के साथ कंपैरिजन करके करिए। अब ये कैसे होगा? जब आपने प्रॉपरली आरसीपीए किया होगा, मींस रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जिसको केमिस्ट सर्वे बोलते हैं, अगर आपने वो करके गए हुए हैं, आपने प्रॉपरली किया हुआ है, उसको नोट किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड के यूएसपी को उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो भी बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं या फिर जो ऐसे पॉइंट्स जो कंपिटिटर से आपके प्रोडक्ट के अंदर बेटर हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए, डॉक्टर को उन पॉइंट्स को बताइए कि सर आप जो मेडिसिन लिख रहे हैं उसके कंपैरिजन में, ये वो खराब है मेडिसिन, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी की, किसी सीनियर की, किसी मेडिसिन की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिए। ये मत बोलिए खराब है, बट आपको ये कहना कि सर खराब नहीं है वो मेडिसिन जो आप लिख रहे हैं, बट जो मेरा मेडिसिन है जो मैं अपने ब्रांड लेके आया हूँ उसके अंदर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा, और इस प्राइस सस्ता है तो प्राइस को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट टिप है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, पूरी डिटेलिंग करते हैं, सब कुछ बताते हैं और उसके बाद बंद करते हैं, विजिलर को बैग में डालते हैं, सैंपल निकाल कर देते हैं और चले आते हैं। हम तो ये कहते नहीं कि सर मुझे प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट है डिमांडिंग। आप जब भी डिटेलिंग करते हैं डॉक्टर, सर डिमांड जरूर करें, आप बताइए तो सही आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। सिंपल वही है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी, तो आपको रोना तो पड़ेगा, डिमांड तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्टर से जब भी कॉल क्लोज करते हैं, बिना डिमांड किए हुए कॉल को क्लोज मत करिए। डिमांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिमांड किस तरीके से करेंगे, मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ। आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर आपके पोटेंशियल को देखते हुए, आपके जो पेशेंट स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए, मैंने 1 बॉक्स या 2 बॉक्स या नियर बाई केमिस्ट में मैंने अवेलेबल कर दिया है सर, ठीक है, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन का मैं वेट करूँगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपने अवेलेबल किया है, या फिर आप क्लोज करते समय बोल सकते हैं सर 1 बॉक्स अवेलेबल करा दूं केमिस्ट पे, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, या सर 2 बॉक्स अवेलेबल करा दूं क्या सर, या फिर कितना अवेलेबल करा दूं इस केमिस्ट के ऊपर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना के डॉक्टर से क्लोजिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसा वीडियो आपको लगा, टिप्स कैसे लगे? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ये बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको आपके इनबॉक्स के अंदर मिलता रहेगा और आप अपडेटेड रहेंगे। और तो ऐसे ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपके बनाता रहूँगा, लेके आता रहूँगा, तो बने रहिए चैनल के ऊपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।